कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अब गुटबाजी सामने आने लगी है, जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीसीसी अध्यक्ष बनाए जाने पर सिंधिया समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। पार्टी में हार को लेकर चिंतन और बैठकों का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व सीएम और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। जिस वक्त पार्टी की बैठक चल रही थी, उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक सीएम आवास के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। समर्थकों की मांग है कि सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। समर्थकों का कहना था कि 2018 विधानसभा चुनाव में सिंधिया के कारण कांग्रेस को जीत मिली, यह युवाओं का इफेक्ट था। सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाने पर लोकसभा चुनाव 2019 में सभी ने प्रदेश में कांग्रेस का परिणाम देख लिया। आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व की जरूरत है, जिसके लिए सिंधिया सबसे उपयुक्त है। पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं की मांग है, क्योंकि 2018 के चुनाव में जिस प्रकार से युवाओं की एक आस थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, परंतु शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला था वो हम सभी युवाओं ने माना था। कमलनाथ जी के लिए सहमति बनी थी और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस को एक ही सीट मिली है, कहीं ना कहीं युवाओं का रुझान कम हुआ है हमारे कांग्रेस के प्रति। तो हम चाहते हैं कि सभी युवा, मध्य प्रदेश का चाहता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। ऐसा युवा नेतृत्व यदि हमें मिलता है तो युवाओं में जोश रहेगा और प्रदेश में एक नई ऊर्जा आएगी। और आने वाले जो निकाय चुनाव हैं और जितने भी पंचायत के चुनाव हैं, इसमें कहीं ना कहीं सिंधिया जी का लाभ मिलेगा और प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी मांग है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि राहुल गांधी बतौर प्रदेश अध्यक्ष सिंधिया की ताजपोशी करते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।